हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट पार्ट 7। और ये माइनक्राफ्ट पार्ट 7 सर्वाइवल सीरीज। आज हम अपने लिए बनाने वाले हैं एक्सपी फार्म। हम एक्सपी फार्म इसलिए बना रहे हैं कि हम अपना सारे टूल को रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम आज बनाएंगे एक्सपी फार्म। तो चलो शुरू करते हैं हमारा बनाने के लिए एक्सपी फार्म। एक्सपी फार्म बनाने से पहले हम अपने वर्ल्ड का कुछ टूर दे देते हैं। ये हम अपने पिछले एपिसोड में बनाए थे बार्न हाउस, जहाँ पे कि हम भेड़ रखे हैं, गाय रखे हैं, मुर्गी रखे हैं और सुअर को रखे हैं। यहाँ पर हमारा मुर्गियों ने कुछ अंडा दिया है, तो वो अंडे से अगर मुर्गी निकलता है तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये लो, हमारे फेंके हुए अंडे से मुर्गी निकल आया, तो आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी हमने एक्सपी फार्म बनाने के लिए पहले से जगह तैयार करके रखे हैं, तो उस जगह पे जाते हैं और आपसे मिलते हैं। ये हमारा आयरन फार्म है। हम ये आयरन फार्म के पास ही हम अपना एक्सपी फार्म बनाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम में हमें एचपी का एचपी मिलेगा और आयरन का आयरन भी मिलेगा, इसीलिए हम इसके पास ही बनाएंगे। तो एक जगह का एक के दूसरे जगह भी काम आ जाएगा। हम अपना एचपी फार्म यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक चेस्ट रखा है और यहाँ पे एचपी फार्म बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स रखे हैं। पता नहीं, मगर ये इतना हमारे काम में नहीं आएगा, थोड़ा और लेके आना पड़ेगा हमें। एचपी फार्म बनाने से पहले एक ड्रोन हम पर अटैक करता है, तो हम उसको भी उसकी जगह पर भेज देते हैं। एचपी फार्म बनाने से पहले हम अपना रिस्पॉन्स पॉइंट यहीं पर सेट कर देते हैं, और हम ये एचपी फार्म को थोड़ा ऊपर बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत स्कैफोल्डिंग के साथ ऊपर जाते हैं और वहाँ पे हमारा बिल्ड स्टार्ट करते हैं। हम अभी ऊपर आ चुके हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बिल्ड करना। यहाँ पे हम एक ब्लॉक लगा रखे हैं। अभी यहाँ को 5x5 का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हमें अपना एचपी फार्म बनाना चालू करेंगे। भैया, हमें नीचे जाके सभी मटेरियल्स को ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो चलो नीचे जाके आते हैं और मटेरियल्स लेके ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हमें दो चेस्ट पहले लगा लेते हैं और जितना मटेरियल है ना, सबको उस चेस्ट के अंदर डाल देते हैं। एचपी फार्म के लिए ट्रैपडोर नहीं बना है, तो हम चलो ट्रैपडोर बना लेते हैं। हमें जितना ट्रैपडोर चाहिए था हमने उतना बना लिया है, और जितना वुड बच गया है उसको हम चेस्ट के अंदर रख देते हैं। अभी हमें चेस्ट के पीछे चार हॉपर लगाना पड़ेगा, तो चार हॉपर लगा देते हैं। चलो हमने चेस्ट के पीछे आए और क्राउच होके चेस्ट के पीछे हॉपर लगाना पड़ता है, तो चलो चार हॉपर लगा देते हैं अभी। और फिर हॉपर लगने के बाद हॉपर के ऊपर चार स्लेब लगा देते हैं। इतना सब होने के बाद हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और स्लेब के पास से हम कुछ स्टोन लगाना चालू करते हैं। ये स्टोन पूरा हम चारों तरफ से भर देते हैं। और जहाँ से हम जोम्बी को मारेंगे, वहाँ से हम एक ब्लॉक हाइट में स्टोन लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे लगा रहा हूँ वैसे ही। हमारे फार्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखने वाला है। तो अभी हम क्या करना है, ये जो नीचे के प्लेटफॉर्म है उससे हमें 20 ब्लॉक ऊपर जाना है। अभी ऐसा कर करके 20 ब्लॉक ऊपर चले जाएंगे। अभी 20 ब्लॉक के हाइट के ऊपर जाने के बाद ही आपसे मिलता हूँ। हम अभी 20 ब्लॉक ऊपर आ चुके हैं। अभी यहाँ से हमें 8-8 ब्लॉक का
आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमने अभी एक साइड का बना दिए हैं, ऐसा हमें चारों तरफ से करना पड़ेगा। तो मैं आपको चारों तरफ से करने के बाद मिलता हूँ। चारों तरफ से हो गया तो अभी हम एक साइड से दो ब्लॉक पूरा आखिरी में लगा देंगे और यहाँ से इसे कवर करना चालू करेंगे। ये भी हमें पूरा चारों तरफ से कवर करना है, वो भी दो ब्लॉक तक। ये काम भी कंप्लीट करके मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हमने अभी चारों तरफ से बना लिए हैं और दिखने में कुछ ऐसा दिखता ही है। अभी हमें एक एड्ज को दूसरे एड्ज से जोड़ देंगे पूरा। जैसे मैं जोड़ रहा हूँ वैसे ही आप लोग जोड़ दीजिएगा। ये जुड़ने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। ये अंदर जो खाली है, खाली जगह है, यहाँ पे भी हम स्टोन को पूरा भर देंगे। हमने ये एक जगह पे ऐसा पूरा फिल करते हैं। अभी इस ऐसा ही हमें पूरा चारों तरफ पूरा फिल करना है। तो मैं आपको फिल करने के बाद ही मिलता हूँ। हमने अभी पूरे चारों तरफ से फिल कर लिए हैं। अभी क्या करना है ना, ये कोने से हमें दो दो ब्लॉक की हाइट में एक पूरा वॉल बना देना है। हमने ये पूरा फिल कर दिए हैं, पर हम इसको दो ब्लॉक नहीं करेंगे, तीन ब्लॉक की हाइट करेंगे, तभी हमारा दो लेयर का एक्सपी फॉर्म बनेगा। इतना हो जाने के बाद फिर से हमें यहाँ से ब्लॉक लगाना चालू करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेकंड लेयर है। तो यहाँ पे सेकंड लेयर पूरा फिल करके आपसे मिलता हूँ। ये लो, हमारा सेकंड लेयर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें एक कोने से तीन तीन लेयर तक हाइट के वॉल पूरा एचपी फॉर्म में घेर के बना देना है। इतना होने के बाद हमारा एचपी फॉर्म कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद हम अपने ट्रैपडोर लगाने के काम चालू करते हैं। हमने अभी दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रैपडोर लगा दिए हैं। ये ट्रैपडोर लगाने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। अभी हमने ये जो रूफ है, रूफ को पूरा क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने चलो रूफ को बंद करके मिलता हूँ आपसे। एक्सपी फॉर्म का रूप पूरा बन गया है। अभी इसके ऊपर हम पूरा टॉर्च लगा देंगे। हम अगर एक्सपी फॉर्म के ऊपर टॉर्च नहीं लगाएंगे तो सारे मॉब नीचे स्पॉन होने की जगह ऊपर स्पॉन हो जाएंगे और हमारा एक्सपी फॉर्म बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसीलिए हम पूरा एक्सपी फॉर्म के ऊपर टॉर्च लगा के फिर आपसे मिलते हैं। अभी हमारा एक्सपी फॉर्म के ऊपर पूरा टॉर्च लग गया है। चलो हम अभी नीचे चलते हैं। हम नीचे यहाँ से कूद के चले जाएंगे।
चलो हम नीचे तो आ गए हैं, चलो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एक एक्सपी फार्म को थोड़ा टेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत ऐप के करके देखेंगे। हमारा एक्सपी फार्म तो काम कर रहा है, पर ये साइड में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे हमने कुछ दो ब्लॉक छोड़ दिए हैं, तो हम ये दो ब्लॉक को भी लगा देंगे, नहीं तो यहाँ से मोब आके हमें मार देंगे। तो चलो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट करते हैं और वापस हम अपना बेस पे निकल जाते हैं। ये है हमारा एक्सपी फार्म, जहाँ से कि हम बहुत सारे एक्सपी ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये एक्सपी फार्म कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और कौन सा इसके बाद बनाना है, कौन सा फार्म बनाना है या क्या बनाना है, वो थोड़ा कमेंट में बता देने से हम अच्छा लगता है। और वीडियो अगर यहाँ तक देखे हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।